Hey guys, how are you doing? I hope so you're doing well. My name is Mradul and you are watching my YouTube channel Learn English with British. So guys, today I'm back with another lesson. Aaj main aapke samne ek naya lesson ke saath main aaya hu and aaj ka lesson hamara hai how to tell the time, okay? Exactly, aapko kisi ko time kaise batate hain? The first way simply arises is here, how to ask the time. Time kaise poochte hain? Ye question bhi ek hai. Aapko time kaise poochna hai? Jaise ki aap board pe dekh rahe hain, kuch likha bhi hai aur bahut sari watch भी हैं, so let's get started. Okay guys, so finally, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा समय पूछने के ways. जैसे आपको पूछना होगा हिंदी में तो आप जानते हैं भाई समय कितना हुआ है, भाई time बताओ कितना हुआ, भाई कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, समय कितना हुआ है या time कितना हुआ है. In English you can say here what time is it. क्या बोलना है English में आपको, what time is it. एक बार फिर से बोलेंगे what time is it. Next you can say here what's the time. क्या बोलना है, what's the time. एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ में what's the time. थर्ड ऑप्शन आप बोल सकते हैं यहाँ पर what, इसको what's the time like. What's the time like. Exactly. You must be thinking, sir, what is the meaning of like here? तो आपको मैं next episode में जल्दी बताऊंगा like का use कहाँ कहाँ पे और कैसे करते हैं. ठीक है, ये like पसंद करने वाला like बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप confused मत होइएगा. मैं आपको जल्दी बताऊंगा where we use like in other ways. ठीक है, so first we use how these are the ways how to ask the time. First we discuss here the time and all. इसमें सबसे पहले वाली watch में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों सुई एक ही नंबर पे हैं, 12 बजे पर हैं, तो इट मींस 12 बज रहा है. एग्जैक्टली, तो 12 बज रहा है इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, 12 बज रहा है हिंदी में तो बोल दिया, इंग्लिश में आपको बोलना है इट्स 12 o'clock. एक बार मेरे साथ में बोलेंगे इट्स 12 o'clock. एक बार फिर से बोलिए इट्स 12 o'clock. मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इट्स 12 o'clock. That's fine. Okay, fine. You can write here. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. एक बार फिर से बोलेंगे. It's 12 o'clock. Okay. समय बताने से पहले आपको समय को देखना होता है. Okay. घड़ी देखना और समय बताना English में कैसे बोलोगे? सबसे पहले घड़ी देखना. English में बोलोगे read the watch. क्या बोलना है English में आपको? Read the watch. एक बार फिर से बोलिए. Read the watch. Read the watch. You have to see here, read the watch. Okay. समय को आप जब देखते हैं तो आप सुइयां पढ़ने लगते हैं कि यार एक सुई इस पे, एक सुई इस पे है, तो आपको उसको रीड करना है. यू हैव टू से एवरी टाइम रीड द वॉच. सेकंड यू हैव टू राइट, आपको फिर देखना है कि समय कितना हुआ है. जैसे इस पहले वाली घड़ी में 12 बज रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स 12 o'clock. सिंपल है. अगर यहाँ पर 1 बज रहा होगा तो बोलोगे इट्स 1 o'clock. अगर 2 बज रहा होगा तो बोलोगे इट्स 2 o'clock. अगर 3 है तो बोलोगे इट्स 3 o'clock. ऐसे ऐसे टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे आप इसको चेंज करेंगे. नेक्स्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पे आप देख रहे हैं 12:15 मीन्स जो ड्यूरेशन है ये 5, 10, 15 मिनट का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया है. ये 12:15 इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है. 15 मिनट जो है वो बीत चुके हैं, मतलब 12:15 एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो आपको बोलना होगा 15 past 12. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको, 15 past 12. ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15 past 12. ओके, वेट गाइस, ये जो 15 वर्ड है इसको आप एक्सप्लेन करते हुए कुछ 12:15 या 12:15 करके बोलते हैं, बट आप यहाँ पे एग्जैक्टली इंग्लिश में ही बोल सकते हैं इसको. आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसको क्वार्टर पास्ट 12. मेरे साथ बोलेंगे एक बार क्वार्टर पास्ट 12. नेक्स्ट आई वॉन्ट टू से हियर समथिंग, जस्ट थर्ड वॉच जो तीसरी घड़ी में आप देख रहे हैं इसमें 12:30 जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आधा समय बीत चुका है 12:30. इट मीन्स आधे को बोलते हैं आप हाफ, तो इंग्लिश में भी आप लिखोगे हाफ. इंग्लिश में आप बोलोगे हाफ पास्ट 12. इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट 12. एक बार फिर से बोलिए हाफ पास्ट 12. नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ वॉच जो हमारी चौथी घड़ी है, इसमें दिया हुआ है 12:45. ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, मीन्स यहाँ पे था 12:30, यहाँ पे था 12:15, यहाँ पे था
12:00. सो यहाँ पे आप देख रहे हो 12:45 है। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक पहला तरीका है 12:45 में, दूसरा तरीका है 1:15 बाकी है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर यहाँ पे आपको बोलना होगा 12:45 तो आप ये बोलोगे, जैसे यहाँ पे 15 था, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 45:12, राइट? 45:12, ये 45 past मतलब वो चीज पास्ट हो गई, बीत चुकी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 45 past 12। Let's move. आप इसको और अच्छे वे में बोल सकते हैं, यू कैन से 15 बाकी है 1:15 में, सो बाकी है तो वहां पे क्वार्टर, उसके बाद में बाकी है तो quarter to 1। इन इंग्लिश यू कैन से quarter to 1। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए quarter to 1। मीन्स अगर मैं इस घड़ी में आपको बताऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:15, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट्स 15 past 12। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ में 15 past 12। ओके, नेक्स्ट मैं इसमें टाइम चेंज कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने इसमें टाइम कर दिया है 12:25, तो अब आपको क्या बोलना होगा, 25, यस एग्जैक्टली 25 past 12। एक साथ मेरे साथ फिर से बोलेंगे 25 past 12। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ 12:40। अब ध्यान देना गाइस, 12:40 आपको बोलना तो है किसी से 12:40 हुआ है, ये 1:40 या 2:40 या 3:40 जितना भी होता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहला तरीका आपको बोलना होगा 40 past 12, या फिर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ओके फाइन, 1:40, यहां तक 30 था, 5:05, 10, 40 हो गया, तो 1:40 आप इसको एक्सप्लेन करोगे 40 past 1 एग्जैक्टली। या फिर एक और अच्छा तरीका है, अगर आपको बोलना होगा 5:10, 15:20, 20 बाकी हैं, कितना बजने में, 2:00, ठीक है? 2:20 बाकी है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं, सेम यहीं पर जाएंगे आप, इसमें क्वार्टर लिखा है लेकिन यहाँ पे 20 है, वहां पे 15 था, यहाँ पे 20 है, तो आप सेंटेंस बोलोगे एग्जैक्टली 22:02। क्या बोलना है आपको इंग्लिश में, 22:02, मतलब 20 बाकी है 2:00, सो 22:02। समटाइम्स यू हर्ड, आप कभी कभी देखते होंगे 2:38, तो आप सिंपल बोल सकते हैं यार 38 past 2, और मैं बता रहा हूँ 1:20, तो आप यह सिंपल बोल सकते हैं 20 past 1। अगर कहीं पर लिखा है 12:53, 57 दैट्स फाइन, 12:57 मींस 1:03 बाकी हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे 3:21। क्या बोलोगे इंग्लिश में, 3:21 एग्जैक्टली, मींस यहाँ पे ये शो हो रहा है कि 3 बाकी है 1:00। ये वाला वे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये वे 57 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं 57 past 12, और दूसरा भी ये आपका 3:21। ओके गाइस, सो दिस इज द शॉर्ट ऑफ द टाइम्स एंड ऑल, ये आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में, एंड टुडे आई जस्ट टॉट यू हाउ टू टेल द टाइम एंड हाउ टू आस्क द टाइम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के टॉपिक में हम लोग ने सीखा हाउ टू टेल द टाइम एंड हाउ टू आस्क द टाइम, समय कितना हुआ है, व्हाट द टाइम लाइक, व्हाट द टाइम इज इट, ओके, एंड द आंसर्स आर मेनी मोर। 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, इस समय मेरी वॉच में बज रहा है 3:45, तो आई कैन से इट्स क्वार्टर, सबसे पहले आपको लेना है क्वार्टर, ठीक है? अब 3:45 है, तो आप या तो बोल सकते हैं 45 past 3, या फिर बोल सकते हैं quarter to 4, that's fine guys, okay, we'll meet soon on our next video. Hope so you enjoyed a lot my video. Oh guys, okay, if you like my video, so please do comment in a box and please subscribe my channel. Thank you from my side.